हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 ए में पूछा गया है कि 1 लाख इक्वल्स डैश 10,000, यानी हाउ मेनी 10,000s इन 1 लाख, यानी 1 लाख में कितना 10,000 होगा। तो जैसे कि आपसे अगर कोई पूछेगा कि 100 में कितने 10s होंगे, तो 100 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 100 में 10 10s होंगे, ठीक है। तो उसी तरह जब यहाँ पूछा गया है 1 लाख में कितना 10,000 होगा, तो 1 लाख को 10,000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लाख में 10,000 होंगे। अब देखिए बी में पूछा गया है 1 मिलियन में कितना 100,000 होगा, तो 1 मिलियन को डिवाइड कर दीजिए 100,000 से, तो ये आपको पता चल जाएगा कि 1 मिलियन में 10,000s होंगे, ठीक है। अब देखिए सी में पूछा गया है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, तो 1 करोड़ को डिवाइड कर दीजिए 10 लाख से, तो आपको पता चल जाएगा 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, तो 1 करोड़ में 10 लाख होंगे। 1 के डी में पूछा गया है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, तो आप लोग 1 करोड़ को डिवाइड कर दीजिए 1 मिलियन से, तो 1 करोड़ को आप 1 मिलियन से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 मिलियन, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। और ई में पूछा गया है कि 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, तो 1 मिलियन को लाख से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबर्स, ये जो नंबर नेम दिए गए हैं है ना, वर्ड में जो नंबर्स को लिखा गया है उसको नंबर्स के फॉर्म में लिखना है और उसके बीच जो है कॉमास भी पुट करना है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 73,75,307, तो हम लोग 73,75,307 लिखेंगे और कॉमा भी देना है। तो हर एक पीरियड के बाद कॉमा होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि 73 लाख हो गया तो यहाँ कॉमा, 75,000 हो गया यहाँ कॉमा, और 307 ये हो गया। उसके बाद बी में क्वेश्चन है 9,05,41, तो 9 करोड़, ठीक है, 5 लाख और 41 देना है, तो 1000 नहीं है, तो 1000 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि 1000 वाले पीरियड में 2 प्लेस होता है, तो 20 के बाद कॉमा देंगे फिर, और 41 है, 100 की जगह पे फिर 0 लिखेंगे और 41 यानी 41, तो इसको आप पढ़िएगा तो 9,05,41, ठीक है। उसके बाद सी 7,52,21,302 है, तो सी का लिखते हैं 7,52,21,302, ठीक है। तो देखिए 7,52,21,302 हर एक पीरियड के बाद हमने कॉमा दिया है। डी में है 58,423,202, तो इंटरनेशनल सिस्टम में राइट साइड से 3-3 प्लेस के बाद कॉमा होता है, यानी हर एक पीरियड में 3-3 प्लेस होता है, जैसे 58 मिलियन हो गया, 423,000 है और 202, तो इसमें भी 3 प्लेस है, इस पीरियड में भी 3 प्लेस है, और ये 58 मिलियन की ही बात है इसलिए 2 ही प्लेस है, अगर इससे ज़्यादा बड़ा नंबर के बारे में बात होता तो इसमें भी 3 प्लेस होता। अब ई पे आते हैं, ई में है 23,30,010, तो 23,30,000 और 10 लिखना है, 100 की जगह पर हम क्या देंगे 0, 10 हो गया, तो ये हो गया 23,30,010। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द
इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन, मतलब ये है कि ये सारे जो क्वेश्चन है ए बी सी डी में, इन सभी के बीच में कॉमा पुट करना है इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन के हिसाब से, और इन सभी को वर्ड में रिप्रेजेंट करना है, यानी नंबर नेम सभी का लिखना है इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन के हिसाब से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए का, 8,75,95,762, और हमने इसमें कॉमा पुट किया है इस तरह से, और इसका नंबर नेम हम लोग लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद बी में है 85,46,283, और इसमें इस तरह से कॉमा पुट कर देंगे और इसका नंबर नेम लिखेंगे जिस तरह से यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। सी में 9,99,46, और इसमें भी इसी तरह से कॉमा पुट करना है, हर एक पीरियड के बाद कॉमा रहता है, ये आपको पता है इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन में। राइट साइड से पहला पीरियड में 3 प्लेस होता है, 3 डिजिट होता है, उसके बाद बाकी के सभी पीरियड में 2-2 डिजिट होता है, उसी तरह से हम लोग कॉमा पुट कर रहे हैं और इसका नंबर नेम लिख रहे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, 9,84,32,701, और इसमें भी इसी तरह से कॉमा पुट कर देंगे और इसका नंबर नेम लिख देंगे जैसे हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन, मतलब ये है ये जो क्वेश्चन आपका ए बी सी डी में है इन सभी में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन के हिसाब से कॉमाज पुट करना है और सभी का नंबर नेम लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन के हिसाब से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ए में 78,921,092, और इसमें जो है राइट साइड से 3-3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा पुट करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में हर पीरियड में 3 डिजिट्स होता है, यानी 3 प्लेसेस होते हैं, ये आपको पता है। तो इस तरह से हम लोग कॉमा पुट कर देंगे और इसका नंबर नेम लिखेंगे 78,921,092। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें है 7,452,283, और इसमें भी इसी तरह से कॉमा पुट करेंगे और इसका नंबर नेम लिखेंगे। क्वेश्चन सी में 99,985,102, और इसमें भी हर एक 3 डिजिट के बाद राइट साइड से हम लोग कॉमा पुट करेंगे और इसका भी नंबर नेम इसी तरह से लिख देंगे। क्वेश्चन डी में 48,049,831, और इसमें भी उसी तरह से कॉमा पुट करेंगे और इसका नंबर नेम लिख देंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।